Good morning, students. You are welcome in your today's English class. Students, we were studying about the chapter, He is my brother. He is my brother. In this chapter, we have read the chapter, listen and practice the new words and do the handwriting. And now, today we will discuss about the question and answers. Here is three question answers in descriptive and four questions are multiple answer type. So we will discuss all about this in this period. Now, first question is, where was the people going? Answer hoga, the people were going to a holy place. Now, second question, what did the man say to Meena? आदमी ने मीना से क्या कहा? तो आंसर होगा, the man said to Meena that, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load? Why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load? Now, next question is, why do you think Meena was carrying her brother? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो मीना जो है अपने भाई को क्यों कैरी कर रही थी? तो आंसर होगा, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक. तो बच्चों, ये थे डिस्क्रिप्टिव आंसर. इनका मैं आंसर आपको कॉपी पे नोट करके और व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूंगा. इसको आप अपने कॉपी पर करिएगा और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं, ये मल्टीपल आंसर वाली और ये फिल इन द ब्लैंक्स और इधर ये अपोजिट्स को, इनको जो है आप अपनी बुक पे करिएगा. इसको भी मैं फोटो खींच के भेज दूंगा. व्हाट वेंट अप द हिल? अ पाथ, अ स्ट्रीट, अ रोड एंड अ रेल लाइन. तो व्हाट वेंट अप द हिल? अ पाथ. आंसर होगा, अ पाथ वेंट अप द हिल. सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीपल आंसर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी? स्टोरी में गर्ल का क्या नाम है? आंसर है, मल्टीपल आंसर है, सीमा, बीना, मीना, नीना. तो आंसर क्या था उसमें? लड़के का नाम मीना था. क्या था? मीना था. तो ये इसको चेक कर देंगे. नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज मीना? मीना कितने साल की थी? मीना 12 साल की थी. तो इसमें अब आंसर दिए हैं 10, 12, 9, 8. तो 12 ईयर्स की थी. तो ये 12 में हम टिक कर देंगे. इसके बाद फोर्थ है, हाउ ओल्ड वॉज मीनास ब्रदर? मीना का भाई कितने साल का था? मीनास ब्रदर वॉज 4 ईयर्स ओल्ड. तो 5, 4, 6 और 7. तो क्या होगा? 4 होगा. तो ये 4 में हम ऐसे टिक कर देंगे. इसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट गिवन वर्ड्स. इन वर्ड्स को क्या है? वर्ड्स रेट, सिप, बॉक्स, रग, रग मीन्स होता है गलीचा, कॉट, डेन और पिट. तो पहला है, द बॉय फेल इन द, क्या भरेंगे? पिट. क्या भरेंगे? पिट. नेक्स्ट, आई सिप हॉट मिल्क. गर्म चीज को पीने को सिप करना बोलते हैं. तो आई सिप हॉट मिल्क. थर्ड, द किड इज इन द, बच्चा कहाँ है? कॉट. क्या हो जाएगा? कॉट. यहाँ पर सीओटी कॉट भरेंगे, सीओटी कॉट. फोर्थ है, माई टॉय इज इन द बॉक्स. क्या होगा? बॉक्स. मेरे खिलौने बॉक्स के अंदर हैं. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द लॉयन इज इन द डेन.
शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है, डेन में। तो ये हो जाएगा द लॉयन इज इन द डेन, डी ई और एन। द कैट रन्स आफ्टर द रैट, बिल्ली किसके पीछे भागी, भागती है चूहे के पीछे, चूहे का शिकार करती है तो उसके पीछे वो भागे। इसके बाद आई सिट ऑन द, किसके ऊपर बैठते हैं, गलीचे के ऊपर, रग, आर यू जी रग। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे देखते हैं बच्चों हम कि अपोजिट, ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, इनको इनका अपोजिट दूसरी इसी के उसमें हमें फिलअप करना है। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। ये अंडरलाइंड वर्ड है, ये इन, दूसरे में है बिग, तीसरे में है डे, चौथे में है टॉल, सॉरी चौथे में है डे, पांचवें में है हॉट, छठवें में है टॉल, सातवें में है सैड। इनके अपोजिट्स आगे इधर भरने हैं इनके सामने। तो द रैट रैन इन, इनका अपोजिट क्या होगा, आउट। तो व्हेन द कैट रैन आउट, यहां क्या भरेंगे, आउट, ओ यू टी आउट। आगे सेकंड, द लॉयन इज बिग बट द कैट द एंट इज स्मॉल, क्या होगा, स्मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल। स्मॉल आगे है, द जिराफ हैज लॉन्ग नेक, लॉन्ग का अपोजिट भरना है, शॉर्ट हो जाएगा, बट आउल्स आर, तो क्या होगा, शॉर्ट, एस एच ओ आर टी शॉर्ट, लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट। द सन अपीयर्स इन द डे, सूर्य दिन में दिखता है और चंद्रमा रात में, डे, एंड द मून एट नाइट, क्या हो जाएगा, नाइट, डे का अपोजिट नाइट, एन आई जी एच टी नाइट। द टी इज हॉट बट द वॉटर इज कोल्ड, क्या होगा, कोल्ड, सी ओ एल डी कोल्ड। नेक्स्ट है ट्रीज आर टॉल, ट्रीज क्या है, टॉल होते हैं, बट द बुशेज झाड़ियां क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट, एस एच ओ आर टी शॉर्ट। राम वॉज सैड, सैड माने होता है दुखी, इसका अपोजिट क्या होगा, हैप्पी, बट राधा वॉज हैप्पी, क्या होगा, हैप्पी, एच ए डबल पी वाई हैप्पी। तो ये हुआ इस एक्सरसाइजेस, इनको मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज दूंगा और इन एक्सरसाइजेस को आप अपने बुक मार्क केवल करिएगा। ओके, थैंक यू।